इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत जी भगत शिरोमणि हैं, इनसे भय नहीं करना। भरत जी राम जी के अनुगामी हैं, राम जी जो सोचेंगे वही भरत जी व्यवहार में लेंगे। कहा सत्य संध प्रभु सुरहित कारी, सत्य संध प्रभु सुरहित कारी, भरत राम आयस अनुसारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं रामो, भरत दोष नहीं रामो, सुन सुर भर सुर गुर देव गुरु ने जब समझाया कि भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार ही व्यवहार करेंगे, ये भी एक बड़ा सौभाग्य का प्रसंग है। हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो, बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, जो हम कहें वही करे, तो हम धरती के सौभाग्यशाली पिता हैं, सदगुरु हैं, चाचा हैं, भाई हैं। हमारा अनुज हमारे मन से चलता है, हम भाग्यशाली। पूरा प्रसंग समेट दिया गुरुदेव ने, भरत राम आयसु अनुसारी, भरत जी वही करेंगे जो राम जी की आज्ञा होगी। घबराओ नहीं, देखिए स्वार्थ में व्यवहार परिवर्तित होता है, परमार्थ में व्यवहार सम रहता है, परिवर्तन नहीं होता। भरत जी में कोई दोष नहीं है, भरत जी में कोई इस प्रकार सोच नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये आपका मोह है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। जिस व्यक्ति में भगवत प्रेम होता है ना, तो उसके साथ बैठने में अपने में भी भगवत प्रेम दृढ़ हो जाता है। भजन करो नहीं, देख के भजन होने लगेगा। जीवन देखकर जीवन में भगवान का स्मरण आने लगता है, हो कराना नहीं पड़ता है, न कहना पड़ता है, करो।
भगत जी को देखकर भजन करने का मन करता है। जैसे कोई व्रत किया हो, आप मिले खाएंगे कुछ, इच्छा तो है, मेरा तो व्रत है तो मैं भी रह लेता हूं, आप जो लेंगे वही ले लेंगे। देखकर उसके तप को देखकर हम भी तपस्वी हो जाते हैं। कोई तीर्थ जा रहा है तो हमारा भी जाने का मन कर देता है, और जितना उसका प्रताप, जितना उसके अंदर अपने साधना का बल, उतना हमारे में। महापुरुष कहते थोड़ी ऐसा करो वैसा करो, महापुरुष को देखकर लोग करने लगते हैं। इस प्रकार विषयी को देखकर विषय का स्मरण होने लगता है, उसी प्रकार भगत को देखकर भजन का स्मरण होने लगता है। कराना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगेगा। आप करो न करो, अपने आप होगा सबका। लेकिन जो जन्म जन्म लदा है, उसका जन्म जन्म की पूंजी दृढ़ है, उसको नहीं होता। आप इस चरित्र को देखकर देखिए, भरत जी को देखकर चेतन तो क्या, जड़ भी चेतन हो गए। भरत जी की भाव विभलता राम प्रेम का दर्शन करके, द्रव ही बचन सोने कुलेश जन प्रेम न जाए बखान। जो पत्थर वज्रवत पत्थर वो भी द्रवित हो गए। आप चित्रकूट पधारो, देखो चित्रकूट में पत्थर आज भी आपको पिघले मिलेंगे, बीच बीच में उठान है। जहां मेरे प्रभु और भैया का मिलन हुआ है, वहां तो पूरे पत्थर गल गए हैं। भैया जय बार जाते हैं, तय बार जाकर प्रणाम करते हैं परिक्रमा वाले। ये विवलता, ये आपका कोई प्रेमी मिलता है तो आप नहीं गल जाते हैं, बह जाते हैं, बिछ जाते हैं, समर्पित हो जाते। भरत जी की राम प्रेम विवलता देखकर वज्रवत पत्थर भी पिघल गए। एक विश्राम आगे चले, यमुना जी के तट पर वास हुआ। सबकी व्यवस्था गुरुदेव भगवान माता हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था का साथ सजाया। निषाद जी ने दिव्य व्यवस्था बनाई। रात्रि बीती, प्रातः काल भया। घाट घाट की नावें निषाद जी ने मंगाई, सब लोग एक ही बार में उस पार पहुंच गए। निषाद जी का मार्ग देखा हुआ है, आना जाना लगा रहता है। गुरुदेव भगवान को आगे बढ़ाया गया, माताएं सब लोग चले। भरत भैया निषाद जी के कंधे पर हाथ रखे, प्रेम पूर्वक आगे चले जा रहे हैं गुरुदेव भगवान। भरत चले राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने लखन को मना, राम को मनाने सिया लखन को मना। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना।
सिया राम को मना सिया राम को मना सिया राम को मना। यमुना पार करके भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण जी जब चित्रकूट की ओर गए थे तो जिन जिन गांव नगर के लोगों ने उनको देखा था उन्होंने इनको भी देखा, कयास लगाने लगे, सोचने लगे देखकर कि वो जो तीन लोग गए थे वो तो आपस में प्रसन्नता पूर्वक संवाद करते, बातचीत करते, चर्चा के साथ जा रहे थे। इनके साथ चतुरंगणी सेना है, एक मुनि जी भी हैं, डोलियां भी जा रही हैं, परंतु ये जो सांवले वाले जा रहे हैं, गोरे वाले जा रहे हैं, इनका तो आपस का कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। ये मलिन मन जा रहे हैं, उदास होकर जा रहे हैं, तो कयास लगाते हैं। वो प्रसन्नता से जा रहे थे, ये उद्विग्नता पूर्वक जा रहे हैं, ये दुखी दिख रहे हैं, वो सुखी दिख रहे थे। क्यों? बस किसी वयवृद्ध ने ये कहानी सुनाई कि पहले जो गए थे वो लगता है इनके भाई थे, घर से चले गए थे, ये उनको मनाने जा रहे हैं। इतने में कोई कथा जानते थे उन्होंने सुनाया कि वो जो गए थे इनके बड़े भैया हैं, तो ये उनके छोटे भैया हैं, मनाने जा रहे हैं। ये मनाने का भी बड़ा सुख है, बहुत सुख है। अच्छा कोई मनाए ना तो मान भी जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बेचारा मनाते मनाते मनाने छोड़ दे। कोई हो, भाई हो, पिता हो, मित्र हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कोई हो, रूठे ठीक है, जाए ठीक है, परंतु यदि कोई मनाए तो मान जाए ये भी ठीक है। अस्थाई रुष्टता अच्छी नहीं, मान जाना चाहिए, और नहीं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि मनाने वाले भी थक जाते हैं, भगवान इनके मन ही है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।